So yesterday we discussed the aqueous solution of acid and bases, they conduct electricity. ठीक है, तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी जिसमें हमने क्या किया था, वी टेक अ बीकर, राइट। उस बीकर में हमने एक रबर कॉर्ड फिक्स करके उसमें नेल्स फिक्स किए थे दो, एंड वी टेक एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड फर्स्टली। ठीक है, तो हम कुछ भी सॉल्यूशंस ले सकते हैं एसिड के, और लाइक वी कैन टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, इन दोनों की तो हमने करना ही करना है, राइट। एंड सेकेंडली यू कैन टेक ग्लूकोज सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, आप इनके साथ भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हो वेदर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, राइट। देन वी कंप्लीट दिस सर्किट, तो हमने यहाँ पे एक स्विच लगाया, राइट, एंड देन वी कनेक्ट दिस विद द बल्ब एंड टू द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द नेल, ओके। सो टर्न बाय टर्न वी चेंज द सॉल्यूशन, पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, देन वी टू ग्लूकोज एंड शुगर। नाउ व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टेक द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, एक्वस मींस हमने इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो पानी में मिक्स किए हुए हैं, वी हैव टेकन देयर सॉल्यूशन, वी आर टेकिंग देम इन द सॉल्यूशन फॉर्म, ओके। सो व्हेन दी सॉल्यूशंस दे आर टेकन द बल्ब ग्लोस, यहाँ पर जो बल्ब था वो ग्लो कर गया, डैट मीन्स इट इज नाउ इन पोजिशन ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपके सर्किट में आपके ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, राइट। बट द बल्ब डजंट ग्लो इन द केस ऑफ ग्लूकोज एंड शुगर सॉल्यूशन, तो जब हमने ग्लूकोज और शुगर का सॉल्यूशन लिया तो उस केस में जो बल्ब था वो ग्लो नहीं किया। नाउ व्हाट दैट मींस देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज नहीं है, चार्ज स्पीशीज नहीं आए हैं, राइट। तो चार्ज स्पीशीज क्यों नहीं आए हैं, सी चार्ज स्पीशीज कभी प्रोड्यूस होंगे जब कोई चीज जो है वो डिसोसिएट करेगी, ये आयोनाइज करेगी, ओके। HCl एज एन एक्वस इट विल डिसोसिएट, डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, आयोनाइजेशन का भी मतलब होता है आयंस में ब्रेक करना, ओके। सो वट एवर टर्म यू कैन यूज, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, so this will ionize as H positive in the aqueous solution and Cl negative in the aqueous solution. तो यहाँ पर ये ions आ गए, right? क्योंकि यहाँ पर ये ions जो हैं वो form हो गए, तो ये ions जो हैं positive and the negative charged ions, they will move oppositely charged, okay? So they will move to the opposite end of this battery and they will be in the position of the movement. So movement of ions, it always constitute current. जब भी charged ions move करते हैं तो current flow करता है circuit में, okay? So same is the explanation for H2SO4. यहाँ पर आपके पास 2H positive and SO4 2 negative बनेगा. But what happens in case of glucose, sugar, salt? ग्लूकोज शुगर एंड सॉल्ट, इनको जब आप पानी में डालते हो दे डोंट फॉर्म आयंस, ये एज इट इज रहता है इंटैक्ट। अगर आपने C6H12O6 डाला है तो इट विल रिमेन लाइक दिस, ये आयंस में ब्रेक नहीं करेगा, ये आयंस में ब्रेक कर सकता था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन स्प्लिट हो सकते थे, बट दिस डोंट स्प्लिट अप, दिस डोंट डिसोसिएट, ये आप जैसा डाल रहे हो पानी में इट विल रिमेन लाइक दिस। सो हियर देयर इज नो फ्री आयंस प्रेजेंट, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ओके। सो इफ यू टेक एनी ऑफ द एसिड, HCl ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया ना, सल्फ्यूरिक एसिड की भी एग्जांपल डिस्कस की है, एसिटिक एसिड ले सकते हो आप, नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करके दिखा सकते हो, ओके। तो सब में क्या होगा, इट विल डिसोसिएट एज CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव इन द एक्वा सॉल्यूशन, पानी में ही।
सेम फॉर द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की डिसोसिएशन हो जाएगी एज एच पॉजिटिव एंड एनओ थ्री नेगेटिव की फॉर्म में. ओके, दीज एक्टिविटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम्स में आई हुई हैं लास्ट टाइम, लास्ट टू लास्ट ईयर. ओके, तो ये बोर्ड एग्जाम्स में लास्ट टू लास्ट ईयर और उससे भी लास्ट ईयर वाले थे उसमें आई हुई हैं ये एक्टिविटीज. दैट व्हाट हैपन इफ वी टेक ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन. ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक और ग्लूकोज की फॉर्म में ये क्वेश्चन था. अब मैं बार बार एक चीज बोलती जा रही हूँ डैट वी हैव टू टेक द एक्वा सॉल्यूशन, वी हैव टू टेक द एक्वा सॉल्यूशन. ओके, भूमिका मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया हुआ है कि ग्लूकोज में फ्री आयंस नहीं होते हैं. ग्लूकोज जैसा आप पानी में डालोगे इट विल रिमेन इंटैक्ट, वैसा ही रहेगा, वो आयंस फॉर्म नहीं करता है. तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस देयर इज नो फ्री चार्ज कंडक्शन. ओके, सो Why I am again and again saying that we have to take the aqueous solution, we have to take the aqueous solution. Okay, so this is our next point now, the next topic, role of water. Now, what is the role of water in the acidic character of acid? पानी का क्या रोल है एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर शो करने में? लाइक वी डिस्कस यस्टरडे आल्सो कि बेस में भी हमें ओएच नेगेटिव आयंस देने हैं, राइट? तो अगर आप बेसिक सॉल्यूशन ले रहे हो NaOH का, तो इट विल आल्सो गिव Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. ओके, तो जैसे एसिड ने आपको H पॉजिटिव दिए हैं, बेस ने आपको OH नेगेटिव आयन दिए हैं, सेम वे से ही है. ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने कल आपको सारी एग्जांपल्स लेके बताया था. ओके, सो सेम इज द केस विद द बेस. ओके, तो बेसिस के केस में जो डिसोसिएशन है इट विल हैपन लाइक दिस. कैल्शियम 2 positive and 2 OH negative ions. Okay. Now, for showing the role of acidic, for showing the role of water in acidic and basic character, we will again be conducting one activity. If you remember, you did this chapter in 7th class also, and there was also one activity if you have remembered this. If you take a litmus paper strip, अगर आप एक लिटमस पेपर की स्ट्रिप लेते हो, राइट, और उसके ऊपर आप बेकिंग सोडा इन द फॉर्म ऑफ पाउडर आप स्प्रिंकल कर दो. सी, बेकिंग सोडा इज अ बेस. अगर आप रेड लिटमस ले रहे हो और उसके ऊपर आप बेकिंग सोडा जो है वो अप्लाई करना शुरू करो इन द पाउडर्ड फॉर्म, तो यू विल ऑब्जर्व कि उस स्ट्रिप का कलर चेंज नहीं हो रहा, राइट? सो यू विल ऑब्जर्व कि उस स्ट्रिप का कलर चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो इन द सेम वे वी आर गोइंग टू कंडक्ट वन एक्टिविटी. हमने क्या करना है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है. यू कैन राइट डाउन दिस एक्टिविटी आल्सो, बट यहाँ पर हम थोड़ी सी 10th लेवल की एक्टिविटी करेंगे. ओके, तो वी विल बी टेकिंग एन NaCl सॉल्यूशन हियर. NaCl का पाउडर ले लिया मैंने, ठीक है, हमने NaCl का पाउडर ले लिया है यहाँ पे, NaCl इन पाउडर्ड फॉर्म. देन आई विल बी अप्लाइंग हियर अ रबर कॉर्क. यहाँ पे मैंने इसको रबर कॉर्क लगा देना है, एंड रबर कॉर्क के साथ एक डिलीवरी ट्यूब भी है. ओके, लाइक दिस. सो दिस इज अ रबर कॉर्क. दिस इज अ डिलीवरी ट्यूब. सो व्हाट वी हैव टू डू इज इस NaCl में हमने डालना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ क्विकली गिव मी द रिएक्शन. क्या रिएक्शन होगी इसकी, आंसर दीजिए. NaCl इन सॉलिड फॉर्म, इफ आई एड
concentrated sulfuric acid into it, what will be the products? What will be the products beta? हाँ जी बोलिए क्या प्रोडक्ट्स आएंगे. ओके दैट विल बी Na2SO4 एंड HCl. वेरी गुड हरजोत. दैट इज Na2SO4 प्लस HCl. सो दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. Okay, that is hydrogen chloride gas. Bhavna, that is Na2SO4. Sodium is having valency 1 and SO4 2 negative. So, jab aap isko cross karoge, you will be getting Na2SO4. Okay, I am repeating again. Ek bari 9th ki book khol ke, ye chemicals formulas jo hai, wo dobara se recall karo aap. Okay. So like I told you, if we take a red litmus paper strip, okay? So over that, if I am applying baking soda in the powdered form, the strip color remains intact. That is not changing actually. Okay? So same we have to do here. Whenever, now see, here the hydrogen chloride gas is being evolved. HCl gas bahar aayi. Okay? Ab is gas ke paas. मैंने क्या लाना है. आई विल बी ब्रिंगिंग वेरी क्लोज टू दिस गैस ब्लू लिटमस पेपर एंड दैट इज इन द ड्राइड फॉर्म. ठीक है, यहां से जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इवॉल्व हुई है, मैं इस गैस के पास ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके आई. ओके, सो यू विल ऑब्जर्व कि गैस तो निकल रही है. HCl is there, it must be showing its acidic or basic character, right? Whatever gas is evolving, जैसे carbon dioxide gas evolve होती है, that is acidic character showing. Same way, ये HCl जो निकल रही है, इसको भी तो कोई ना कोई अपना acidic या basic character show करना चाहिए था with the dry litmus paper, but actually the litmus paper is dry. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसने HCl ने कोई reaction नहीं दिया. अब अगर सेम एक्टिविटी आप रिकॉल करो, अब मैं बेकिंग सोडा में अगर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूं, इनिशियली आई वाज टेकिंग दैट इन द पाउडर्ड फॉर्म, अब मैं उसमें अगर लिटिल बिट वाटर ऐड कर दूं और उसका एक सॉल्यूशन बना के फिर उसमें लिटमस पेपर को डिप करूं, ओके, देन इट विल बी गिविंग यू द कलर. फिर वो जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. एंड सेम इज द केस हियर. अब ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इवॉल्व हुई है, अब अगर इसके पास मैं वेट ब्लू लिटमस पेपर लाऊं, ब्लू लिटमस को थोड़ा सा वेट करके पानी के साथ, अब अगर मैं वो उसके क्लोज लाऊंगी तो दैट विल बी चेंजिंग इनटू द रेड कलर, शोइंग दैट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज एसिडिक इन नेचर. ओके, दैट विल शो दैट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज एक्चुअली एसिडिक इन नेचर. And that will only be confirmed when there is aqueous medium, when there is water, right? हाँ जी clear हो गया बेटा. So what is the role of water here? Yes, what is the role of water here? Acids or bases, they produce H positive ion and OH negative ion in the presence of water, right? तो ये इनका जो काम है dissociation का, how ions are produced, that are only produced in the water. Okay, so whatever acid we are talking about, जैसे hydrogen gas है, okay, जब इसके साथ ही water के साथ ही contact में आएगी, it will form that aqueous solution, and that aqueous solution basically dissociate as H positive ion and Cl negative ions. ठीक है, राइट. सो ये आयंस ही तब फॉर्म होंगे जब वाटर होगा. ओके, सो रोल ऑफ वाटर, दैट मींस वाटर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. रोल, सॉरी, पानी के बिना जो आयंस हैं वो फॉर्म नहीं होंगे, एंड द एसिडिक एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड और बेस विल नॉट बी शोन. ठीक है जी, क्लियर बेटा.
And secondly, the next thing I have already discussed with you yesterday, कि ये जो H positive ions होते हैं ये water के साथ combine करते हैं to give hydronium ions, H3O positive ions. Okay, so in the similar way, अगर मैंने ये HCl इसमें add करवाया है, ये HCl water के साथ जब contact में आया, जब ये HCl water के साथ contact में आया, तो ये जो H positive ions हैं, they get removed to form hydronium ion plus Cl negative ion. Okay. So H positive ion will always combine, have a tendency to combine with the water to form hydronium ion. So same is the case for the dissociation of bases also. अगर मैं NaOH की बात करूं तो NaOH भी जो है वो ऐसे ही dissociate करेगा as Na positive and OH negative. Okay? हाँ जी, clear बेटा यहाँ तक? Any doubt to anyone, you can ask beta. Any doubt to anyone till now, you can ask. समझ आ गया है, नहीं आया है बेटा? गिव योर रिएक्शन. ओनली वन स्टूडेंट. हाँ जी, सिर्फ भावना को ही समझ आया है, बाकी माधव और भावना को ही समझ आया आई गेस. चलिए, दैट्स गुड. ठीक है, तो रिस्पॉन्स देते रहा करो ताकि मुझे पता चलता रहे. Now, based on the ionization or dissociation of the acids and bases, कि जो acid या base है वो कैसे dissociate हो रहे हैं, we have classified acid and bases as weak acids, strong acids, and similarly weak bases and strong bases. अब हमने ये देखना है कि क्या जो मेरा एसिड है, वट एवर एसिड आई एम टॉकिंग अबाउट, वेदर इट इज गेटिंग फुली कन्वर्टेड इनटू आयंस. क्या वो सारे के सारे आयंस जब मैं उसको पानी में डाल रही हूँ रिलीज कर रहा है कि नहीं. ओके, सो इफ ऑल द आयंस दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है, अगर उसमें अपने सारे के सारे आयंस जो है वो कंप्लीटली आयोनाइजेशन अगर उस एसिड की हो गई है, then it will be a strong acid or a strong base. But agar wo completely ions mein change nahi hota hai, right, whatever solution you are taking, acidic or basic solution, if it is not getting completely changing into its ions, then it will be termed as weak acid or weak base. Okay, so strong acids ki definition ke liye agar hum likhe, so the acids which are completely ionized हमने किसमें लिखनी है, वाटर में. तो हियर द वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने पानी नहीं लिखा है तो आयनाइजेशन तो होगी नहीं फिर. ओके, सो इफ यू हैव स्किप्ड दिस वाटर टर्म देन योर डेफिनेशन विल बी इनकम्प्लीट. सो द एसिड्स और बेसिस. ओके, तो सेम वे से आपने बेसिस की डेफिनेशन लिख लेनी है. द एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर टू गिव H positive ions, they are termed as strong acids. और यही अगर मैं bases की बात करूं तो bases में मुझे क्या देना है, they will be giving OH negative ion. Okay, so that will be termed as strong bases. अब strong acids कौन कौन से होते हैं? Hydrochloric acid is a strong acid, sulfuric acid is a strong acid, nitric acid is a strong acid. Okay, so they are the strong acids. In the similar way, strong bases are KOH,
NaOH. तो ये मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में बताया. क्लियर बेटा? ठीक है, तो जब आप उसको पानी में डालोगे दे विल बी कंप्लीटली आयनाइजिंग. जैसे एक की एग्जांपल कर लेते हैं, नाइट्रिक एसिड की एग्जांपल कर लेते हैं. तो इफ वी आर राइटिंग दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, देन व्हाट विल हैपन इफ आई एम पुटिंग दिस नाइट्रिक एसिड इन वाटर, दैट विल गिव एच पॉजिटिव आयन एंड NO3 नेगेटिव आयन. ओके, यस भूमिका, दे आर फिक्स्ड. वी आर हैविंग सम लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, सिमिलरली वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस. ठीक है, तो ये फिक्स्ड है. आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में आते हैं, कुछ जो है वो वीक की कैटेगरीज में आते हैं. Similarly, if we talk about the weak now, तो definition में थोड़ा सा change करेंगे. The acids which are not completely ionized. Completely means कि वो अच्छे से ionized नहीं होते हैं, to give H positive ion in water. Or you can write this definition as the acids which ionize to small extent. राइट, दोनों बेस से मतलब सेम है. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो कम आयोनाइज हो रहे हैं, यहाँ पर भी हम सेम कह रहे हैं कि वो पूरी तरह आयोनाइज नहीं हो रहे हैं. ओके, सो वट एवर डेफिनेशन यू कैन राइट डाउन, द एसिड्स विच आयोनाइज इन वाटर टू स्मॉल एक्सटेंट और द एसिड्स विच आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज टू गिव एच पॉजिटिव आयन इन वाटर. एंड सेम इज द डेफिनेशन फॉर द बेस. ठीक है, सेम हम बेस की डेफिनेशन. अब वीक एसिड्स और वीक बेसिस कौन से होते हैं? वीक एसिड, एसिटिक एसिड, राइट, दिस इज द वीक एसिड. उसके बाद हम लिख सकते हैं कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3. वी कैन राइट डाउन एज HCN ऑल्सो, हाइड्रोजन साइनाइड. ओके, H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड. भावना, बेंजोइक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड. यहाँ पर हम मिनरल एसिड्स की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं. राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट पार्ट हो जाता है. So when we have prepared their aqueous solution, now here one thing you have to note down. क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि ये completely ionized नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम double headed arrows चलाते हैं. We will be marking here double headed arrows. कि reaction जो है वो दोनों तरफ exist करती है. ठीक है, नाउ यू विल से कि इसने तो एच पॉजिटिव आयन दे दिया हुआ है, राइट, बट फिर भी मैं इसको वीक एसिड क्यों कह रही हूँ? बिकॉज ये जो चीज है अभी भी आयनाइज हो सकती है. दिस इज अ क्वाइट बिग कॉम्पोजिशन. ओके, सो दैट कैन बी फर्दर आयोनाइज, बट ये नहीं आयोनाइज होता है, ये ऐसे का ऐसा इंटैक्ट रहता है. ओके, सेम फॉर कार्बोनिक एसिड, 2H positive plus CO3, 2 negative. Okay, तो ये जो है ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है. डैट मीन्स कि अगर आपने कोई भी एक चीज किसी भी तरफ बढ़ाई तो दूसरी तरफ रिएक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा. यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि एट एवरी स्टेज देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ में एग्जिस्ट करती हैं. ओके, एक ही कॉम्पोजिशन बढ़ाओगे तो वो दूसरी रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी. ठीक है, इसकी बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो है वो पीछे की तरफ चली जाएगी.
ओके हाँ जी क्लियर बेटा। सिमिलरली अगर मैं बेसिस की बात करूं तो डेट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH इज अ वीक बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दे ऑल आर वीक बेसिस। राइट, तो ये भी जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे टू गिव OH नेगेटिव आयन्स। हाँ जी क्लियर हुआ बेटा, इज दिस थिंग क्लियर? यस नो? Coming to the next part, now we are going to discuss the concentration. Concentration of acid. आप नाइन्थ में भी ये टॉपिक करके आए हो कंसेंट्रेशन का, दैट एक्चुअली मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बट यहाँ पे हम एसिड की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि एसिड का अमाउंट जो है वो कितना है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। ओके, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ, वी कैन प्रिपेयर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एसिड, एक डाइल्यूट एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं हम, एक कंसेंट्रेटेड। कंसेंट्रेटेड एसिड में जो एसिड का अमाउंट होता है वो ज्यादा लेते हैं हम, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। ओके, इन द कंसेंट्रेटेड एसिड वी टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस वाटर। बट दैट इज ऑपोजिट इन केस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड में एसिड जो होता है वो कम होता है और जो पानी होता है वो ज्यादा होता है। And in labs, we normally prepare dilute solutions. ठीक है, हम dilute solutions या dilute acids जो हैं वो use करते हैं, that are basically less harmful or less corrosive to your skin. क्योंकि acid का content जितना ज़्यादा होगा उसकी corrosive nature उतनी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा harm करेगा अगर आपकी body के ऊपर डल गया। Okay? Now, if we want to dilute the solution, अब यहाँ से यहां अगर मैंने आना है, मेरे पास कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मेरे पास एसिड ही एसिड है, अब मैंने उसमें पानी ऐड करना है, आई हैव टू डाइल्यूट माय एसिड। वन थिंग यू हैव टू नोट डाउन दैट द डाइल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, यानी कि जब भी आप अपने एसिड को डाइल्यूट करने लगोगे, राइट, अ लॉट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। जो हीट है वो जनरेट होगी, आपका टेस्ट ट्यूब है, आपका बीकर है, वो गर्म हो जाएगा। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो एसिड है उसकी डिसोसिएशन होनी शुरू हो जाएगी। HCl लिया मैंने, HCl में जब मैं पानी ऐड करने लग गई, when I'm going to dilute it, it will be forming ions. तो जब ये ions बनने शुरू हो जाएंगे, right? So your beaker or your test tube, it will be started becoming hot. गर्म होनी शुरू हो जाएगी, warm होनी शुरू हो जाएगी, depending on the amount of acid you are taking. Okay? सो डाइल्यूशन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, हीट जो है वो बाहर आएगी ही आएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू डाइल्यूट द एसिड? क्या मैं एसिड में पानी डालूं कि पानी में एसिड डालूं? यस, व्हाट डू यू थिंक, शुड आई एड वाटर इन एसिड और एसिड इन वाटर?
सो यस वी विल एड वॉटर इन एसिड नो वी विल एड एसिड इन वॉटर वी विल एड एसिड इन वॉटर ओके नॉट वॉटर इन एसिड ये हमने नहीं करना क्यों नहीं करना है देखो वाटर ज्यादा है वो तो हमें हार्म नहीं करेगा राइट बट अगर एसिड बहुत ज्यादा है इफ आई हैव टेकन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इन अ बीकर ठीक है तो अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी वाटर ऐड किया व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड वाटर इनटू इट व्हाट विल हैपन द एसिड द हाई अमाउंट ऑफ एसिड एसिड का कंटेंट कितना ज्यादा लिया हमने तो एसिड का सारा कंटेंट जो है अब वो एक्वस में चेंज होना शुरू हो जाएगा एंड इमेजिन हाउ मेनी आयन स्टार्टेड डिसोसिएटिंग एंड अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी विल बी जनरेटेड इन दिस प्रोसेस अब इस प्रोसेस में क्या होगा बहुत सारी हीट एनर्जी जनरेट होगी और ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा यू कैन से वर्स हो सकती है कि वो सारा स्प्लैश भी कर सकता है बाहर भी आ सकता है सारा कंटेंट एंड दैट कैन हार्म यू okay so that's why we always add acid in water kyunki water to neutral hai theek hai thoda thoda karke hum usme acid dalte jayenge and we will be diluting it if we are going to add water in the acid then the process is highly exothermic aur bahut zyada heat energy ko niklegi and that can cause the reaction to split out also theek hai to wo acid jo hai wo aapke upar bhi pad sakta hai right So rest we will be continuing tomorrow, next time.